Very good morning to one and all. My name is Lokesh Nagar and welcome to Start Growing YouTube channel. तो देखते हैं 29 अक्टूबर के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. पहला क्वेश्चन संबंधित है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार. अभी हाल ही में मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार जीता है, तो ये पुरस्कार किन्होंने जीता है? तो ये जीता है आसमा जहांगीर ने पुरस्कार जीता है. तो देखते हैं इनको, आप देख सकते हो इमेज में, ये है आसमा जहांगीर. ये जो रिलेटेड है पाकिस्तान से संबंधित है, वहाँ के एक वकील है. अभी इनको ये जो पुरस्कार मिलेगा ये 10 दिसंबर को मिलेगा. और 10 दिसंबर को क्या है? तो 10 दिसंबर को है मानवाधिकार दिवस. 10 दिसंबर को है तो उस दिन ये पुरस्कार इनको दिया जाएगा. तो किसने जीता है पुरस्कार? आसमा जहांगीर ने पुरस्कार जीता है. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन संबंधित है नील चटर्जी. अब नील चटर्जी कौन है? ये अमेरिका इंडियन के एक नागरिक हैं. इनको अभी हाल ही में यूएस फेडरल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष रूप में नामित किया है. किसके रूप में नामित किया है इनको? यूएस फेडरल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष के रूप में इनको नामित किया गया है. तो किन्होंने इनको नामित किया है? तो ये अमेरिका राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए गए हैं. ये है नील चटर्जी. आइए इनको देखते हैं. ये है नील चटर्जी, आप इमेज में देख सकते हैं. ये हो गया दूसरा क्वेश्चन. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन संबंधित है अनुभवी उत्तर पूर्व उत्सव. जो अनुभवी उत्तर पूर्व उत्सव है ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है नई दिल्ली में. ठीक है, कितने दिवस है? 5 दिवसीय जो उत्सव है नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है. अब नई दिल्ली की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं नई दिल्ली के बारे में. यही नई दिल्ली, आप रेड कलर का साइन देख सकते हो भारत के नक्शे में. बात करते हैं दिल्ली की. दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है. उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल उपराज्यपाल है दिल्ली के. बात करते हैं दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है. ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन संबंधित है घोग दहेज रोपेक्स. घोग दहेज रोपेक्स क्या है? यह एक फेरी सुविधा है जो कि कहाँ पर चलाई गई है? ये गुजरात में चलाई गई है. ये जो फेरी सुविधा है कहाँ पर चलाई गई है? गुजरात राज्य में चलाई गई है. ठीक है, तो आइए बात करते हैं गुजरात की. आप मैप में देख सकते हो गुजरात को. बात करते हैं राजधानी का है, तो राजधानी है गांधीनगर. मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और उपराज्यपाल है ओम प्रकाश कोहली. ठीक है, और बात करते हैं कितने ज़िले हैं गुजरात में, तो 33 ज़िले गुजरात में स्थित हैं. कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले गुजरात में स्थित हैं. बात करते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 196,024 इसका क्षेत्रफल है. ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन संबंधित है अंडर 21 बेल्जियम टेबल टेनिस ओपन. अब जो अंडर 21 बेल्जियम टेबल टेनिस ओपन रजत पदक जीता है, तो रजत पदक किसने जीता है? तो भारत की आयका मुखर्जी ने ये रजत पदक यहाँ पर जीता है. कौन सा पदक जीता है? रजत पदक. और किन्होंने जीता है? आयका मुखर्जी ने. ठीक है, अब बात करते हैं ये बेल्जियम में हो रहा है, तो बेल्जियम की पूरी डिटेल देखते हैं. आप मैप में देख सकते हो बेल्जियम कहाँ पर स्थित है. बात करते हैं राजधानी क्या है बेल्जियम की, तो राजधानी है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी है. बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री हैं चार्ल्स मिशेल, बेल्जियम के प्रधानमंत्री हैं. बात करते हैं यूरो यहाँ की मुद्रा है. ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन संबंधित है ब्रेल सक्षम ईवीएम. अब जो ये जो ईवीएम मशीन है ये अंधे लोगों के लिए बनाई गई है. ठीक है, ताकि इससे क्या है अंधे लोग भी अपना वोट दे सकेंगे. ठीक है, अभी जो ईवीएम मशीन का प्रयोग पहली बार कहाँ पर हुआ है, कौन से राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान राज्य में. अब राजस्थान राज्य को देखते हैं. राजस्थान, तो राजस्थान का आप मैप में देख सकते हो. बात करते हैं यहाँ की राजधानी क्या है, तो राजधानी है जयपुर. मुख्यमंत्री कौन है? तो वसुंधरा राजे सिंधिया. बात करते हैं राज्यपाल, तो राज्यपाल है कल्याण सिंह, यहाँ के राज्यपाल है. बात करते हैं कितने ज़िले हैं राजस्थान में, तो 33 ज़िले राजस्थान में स्थित है. बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल है 342,239 राजस्थान का क्षेत्रफल है, जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल है किसी भी राज्य का. तो ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर अभयारण्य हैं, तो कौन कौन से अभयारण्य फेमस है यहाँ पे? तो रणथंभौर अभयारण्य भारत का फेमस है, सरिस्का अभयारण्य फेमस है, और एक और के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का फेमस है. तो ये हो गया राजस्थान की डिटेल. चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. अगला क्वेश्चन संबंधित है गोल्डन डायमंड काउंसिल की बैठक. अब गोल्ड डायमंड काउंसिल की बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है मुंबई में. कहाँ पर हुई है? मुंबई में. ठीक है, बात करते हैं गोल्ड डायमंड काउंसिल की, तो गोल्ड डायमंड काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी जुलाई 2000 में इसकी स्थापना करी गई थी. बात करते हैं कहाँ पर इसका मुख्यालय है, तो मुख्यालय है बेल्जियम में ही इसका मुख्यालय. मैं बेल्जियम की डिटेल अभी पिछले क्वेश्चन में दे चुका हूँ, तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है. बात करते हैं मुंबई में इसका मुख्यालय, तो मुंबई कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में. तो आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की.
ये है महाराष्ट्र, आप मैप में देख सकते हो। बात करते हैं राजधानी क्या है, तो क्या है, मुंबई यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बात करते हैं राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है, तो चिन्नास्वामी यहाँ के चिन्नामेनी विद्यासागर राव यहाँ के गवर्नर है। राज्यपाल यहाँ के चिन्नामेनी विद्यासागर राव यहाँ के राज्यपाल हैं। बात करते हैं कितने ज़िले हैं महाराष्ट्र में, तो 36 ज़िले महाराष्ट्र में स्थित हैं। बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल है 307,713 महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है, जो कि किलोमीटर में है। 307,713 किलोमीटर स्क्वायर महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है। तो देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन बनते हैं एशिया हॉकी चैंपियनशिप। एशिया हॉकी चैंपियनशिप जो कि ओमान में मस्कट में आयोजित हो रही है, तो इसका भी फाइनल हुआ है। तो इसका फाइनल में क्या हुआ कि जो भारत और पाकिस्तान फाइनल में थी, तो भारत और पाकिस्तान को जो फाइनल होना था वो रद्द हो गया और भारत और पाकिस्तान को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया। ये इससे हुआ क्योंकि वहाँ पर बारिश हो गई थी, तो बारिश की वजह से मैच हो नहीं पाया फाइनल, इस वजह से भारत और पाकिस्तान को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया। तब ये ओमान में हो रही है मस्कट में, तो देखते हैं ओमान के बारे में। ओमान की जो राजधानी वो है मस्कट, यहाँ पर सुल्तान है। सुल्तान का क्या नाम है, तो सुल्तान का नाम है काबूस बिन अल सैद, यहाँ के सुल्तान है। बात करते हैं मुद्रा, तो मुद्रा है यहाँ के रियाल, और मैप में आप देख सकते हो ओमान कहाँ पर स्थित है। तो ये हो गया अपने 29 तारीख करंट अफेयर, साथ में उनकी जीके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो अपने चैनल से जुड़ सकें। इससे क्या होगा कि उनके भी जो करंट अफेयर अगर पढ़ते होंगे तो उनके साथ जीके भी अच्छी हो जाए, क्योंकि इस चैनल पर अपन करंट अफेयर के साथ जीके भी अच्छे से कवर करते हैं। साथ में आप इस चैनल में इंग्लिश के वीडियोज़ भी आप देख सकते हो, उसमें मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको इंग्लिश में मैं बिल्कुल जीरो से पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर मैं आगे पढ़ाता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।